हाय दोस्तों, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। अपनी एक्टिंग का जादू चलाने वाले अनुपम खेर आज लेकर आ रहे हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। जी हां, इस फिल्म का हर किसी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था और आज ये इंतजार खत्म हो गया है। वहीं अगर आप ये फिल्म देखने का कोई प्लान भी बना रहे हैं तो पहले इस फिल्म का रिव्यू जान लें। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर आधारित है। मूवी की शुरुआत होती है साल 2004 से। इसी साल एनडीए को हराकर कांग्रेस की गठबंधन सरकार यूपीए ने आम चुनाव जीता था। इसके बाद इस फिल्म के जरिए आप मनमोहन सिंह की जिंदगी को और करीब से देख पाएंगे। वहीं बात करें स्टार्स की एक्टिंग की तो जहां अनुपम खेर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार निभाकर लोगों को दीवाना कर दिया है, तो वहीं संजय बारू के रोल में अक्षय खन्ना, सोनिया गांधी के रोल में सुजैन बर्नर्ट, राहुल गांधी के रोल में अर्जुन माथुर, सभी किरदारों ने अपने अपने रोल्स में जान फूंक दी है। वहीं फिल्म का डायरेक्शन डायलॉग्स भी जबरदस्त है जो आपको बांधे रखते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि इस फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको एंटरटेन करने में कामयाब होता है, वहीं दूसरा हाफ काफी निराश करता है। खासकर फिल्म से एंटरटेनमेंट धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिल्म का दूसरा हाफ काफी कंफ्यूजिंग होने लगता है, खासकर उनके लिए जिन्हें राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। बता दें, विजय रत्नाकर गुट्टे की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स ने 3 स्टार्स दिए हैं। बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 1440 स्क्रीन्स मिली हैं, जहां हिंदी वर्जन में ये फिल्म आज रिलीज हो चुकी है। तमिल तेलुगु में ये फिल्म 18 जून को रिलीज होगी। वेल, अब इस फिल्म का सीधा मुकाबला विक्की कौशल के मोस्ट अवेटेड फिल्म उरी से होगा। अब देखना ये होगा कि बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म की जीत होती है और किसकी हार।